हवा है, पानी है, ज़मीन है, दरख्त है, किस मतलब हु ओन्स देम? इज इट वन अथॉरिटी दैट ओन्स देम और इज इट एवरीवन लिविंग इन दैट एरिया हु ओन्स इट? आप इसको डिसाइड कर लो. आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ज़मीन में पानी की कमी नहीं है. यकीन करें कि इस पानी को अगर सही से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो पानी का क्राइसिस नहीं है. पूरा कराची पानी पी सकता है और आप पानी दे सकते हैं. शर्त यह है कि नियतें आपकी सही हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, इलीगल कनेक्शन ना हो, लीकेजेस ना हो, तो पानी तो कम नहीं है. गवर्नमेंट कर सकती है, एक मिनट में कर सकती है, सारा इलीगल जो वाटर ट्रेड है उसको बंद करवा दे. आप देखेंगे कि मंगोपीर से लेके इलियास मस्जिद तक आप जो उन्होंने कुछ नहीं तो 10 हाइड्रेंट होंगे जिन हाइड्रेंट को नाजायज़ कनेक्शन लेके वाटर बोर्ड ने पानी उनको दिया और वो टैंकरों के जरिए वो पानी बेच रहे हैं. बता दिया है ना कि आप यहाँ 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 स्टीलिंग रोक दें, लेट द वाटर कम थ्रू एंड लीव इट टू द टाउन्स टू डिस्ट्रीब्यूट. मतलब डिसेंट्रलाइज करें डिस्ट्रीब्यूशन को. तो पानी ऑरेंगी में फिर से मतलब एक बहाल हो जाएगा, मगर एक इनका एक सिलसिला है, एक मामला है, हम क्या कर सकते हैं. किसी भी रंग और नस्ल का आदमी उसके पानी मिलना चाहिए, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है, मगर इंसाफ के तकाजे के एन मुताबिक. आप किसी को पानी मेन लाइन से दे के वाल उसमें ऑपरेट ना करें और उसको मुसलसल पानी मिल रहा हो और कहीं तीन तीन महीने भी पानी नहीं आ रहा हो तो ये तो नहीं हो सकता ना. ये तो जुल्म का निज़ाम है. ये मेरा हक है, हम मांगेंगे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा फिर हम छीन के लेंगे उसे. नहीं, ये हमारा हक है, आप हमारा हक दें आप हमें. लेकिन देखिए किसी के पास टाइम नहीं है तो कौन बोलेगा, आप बताएं. कोई बोलने वाला तो होना चाहिए ना, कोई बोलने वाला नहीं है. जो ओपीपी की कैपेसिटी है ओपीपी ने पूरा किया, लेकिन उसको एक रंग देना तो हुकूमत का काम है, हमारे रहनुमाओं का काम है, हमारे रहबरों का काम है. इसका बेहतरीन हल तो यह है कि बल्दिया को काम करने दिया जाए, बल्दिया का इलेक्शन हो, छोटे छोटे इलाके में काउंसलर होते हैं, यूसी के चेयरमैन होते हैं, तो अवामी मसाइल ये सुनते हैं, ये उसका हल करते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इलाका का कोई यूसी नहीं है. वो इतना बड़ा इलाका है कि जब हम किसी नाजिम के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैडम नवाज बरोही के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैडम वो बजट आया था लेकिन इतना बड़ा एरिया है कि हम आपको सपोर्ट उस तरह से नहीं कर सकते. अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठते हैं सदर में, मुर्तजा वहाब साहब, अब औरंगी टाउन गुलशन जिया के लोग कहाँ ढूंढें उनको, को कहाँ बैठते हैं और कब बैठते हैं, और वो उनको जब उनके पास पहुँचेंगे तो कहेंगे गुलशन जिया है कहाँ पहले ये बताएं आप. वोट लेने के लिए आते हैं, हमारे पास आते हैं, वोट देते हैं हम, उसके बाद औरंगी से ऐसे गायब होते हैं जैसे औरंगी में कभी थे ही नहीं ये लोग. और जो कौमी असम्बली के या सूबा असम्बली के मेंबर हैं, इतने बड़े बड़े हलके हैं उनके पास कि वो कहते हैं कि फंड ही नहीं हमारे पास. अब हमारा 117 लगता है, पीएस 117. अब 117 के जो सूबा असम्बली के मेंबर हैं वो इतने दूर बैठते हैं कि हमारे घर से जाना उनके पास कम से कम 40-50 मिनट लग जाएगा बाइक से. आप अंदाजा करें कि फिर वो इतना दूर का मसाइल यहाँ कैसे आके देखें. वो कोई हल इस तरह नज़र नहीं आएगा जब तक कि कराची की जो गवर्नमेंट है वो ना करें. ना कोई एनजीओस यहाँ कुछ कर सकती है, ना के जो है हमारी और कोशिशें कुछ कर सकते हैं. ये के फोर्स कर सकते हैं हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई हो कि हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँचे. ये जो आप बैठे हुए हैं तकलीफ़ में, आराम में, और हम तकलीफ़ में, क्या ये आपका हक नहीं, फ़र्ज़ नहीं है कि आप हमारे इस मसले को हल करें, पानी जैसे नेमत से हमें भी मायूस ना करें. देखो विदाउट डिसेंट्रलाइजेशन एंड विदाउट गिविंग पीपल द पावर टू डिसाइड हु गेट्स इट एंड हु डज नॉट, नहीं होगा. इट्स इजी. कोई बहुत टेक्निकल सोल्यूशन नहीं चाहिए, किसमें बहुत बड़ा टेक्निकल सोल्यूशन है, पोलिटिकल सोल्यूशन है.
तो ये यूसी के निजाम से ही ये निजाम बेहतर होगा, बल्दिया के मामला बेहतर होंगे, लोगों को गली गली में वसाइल हल होंगे, लोगों को अब एक यूसी छोटी सी इलाके के अंदर होती है, उसमें 8 काउंसलर होते हैं, 4 ख्वातीन काउंसलर होती हैं, और भी लोग होते हैं, 2 उसमें एक यूसी के चेयरमैन होते हैं, एक नायब चेयरमैन होते हैं। हमारे घर से करीब करीब यूसी के दफ्तर है, हम वहाँ जाकर अपने आसानी से बता सकते हैं, और चूँकि वो खुद भी उसी इलाके के रहसी हैं तो उनको भी पता है कि यहाँ का मसाइल क्या है। सिंपल सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट नीड्स द सो कॉल्ड पीपल इन पावर, द सो कॉल्ड एलीट टू अंडरस्टैंड कि यू नो दैट इफ यू डू नॉट शेयर द नेचुरल रिसोर्सेज विद ह्यूमैनिटी एंड नेचर एवरीवन इज गोइंग टू गो डाउन। ये क्या समझते हैं कि हम पानी ले लेंगे और दूसरे नहीं लें, दूसरों को नहीं देंगे तो वो 60% नहीं इन पर हावी होगा? होगा, वाटर राइट्स होंगे, यू नो, जब और कम होगा। अभी तक तो रेजिलियंस इज वर्किंग, बट एट सम पॉइंट जब कम होने लगेगा तो ये सब होगा।